क्वेश्चन नंबर 11th जो आरडी का एग्जाम्पल 12 है, आरडी का एग्जाम्पल 12 है, एक्सरसाइज 12.2। ये 12.2 एक्सरसाइज है, वो हम गलती से 4 बता गए, ये 4 तो इसका है, 12.2 है इसमें है एक्सरसाइज 12 का, 12.2 का एग्जाम्पल 12 है, ठीक है। खैर वो तो जब हम आरडी को अपलोड करेंगे तब वहाँ पर इसको लिखेंगे। देखिए जैसा कि वही तरीका होता है सबका बार बार, स्टेप वन क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू वन बताना पड़ेगा सही है गलत है। तो LHS में क्या करेंगे, देखो जनरली जो बताया जाता है आपको कि n को 1 यहाँ रख दीजिए, चलिए ठीक है सही है, वो आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा गया भाई यहाँ n को 1 रख दीजिए आंसर आ जाएगा, तो यहाँ n को 2 रख दीजिए तो आंसर LHS RHS इक्वल नहीं आएगा। अगर यहाँ n को 2 रख दीजिए और वहाँ भी n को 2 कर दीजिए तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो n इक्वल टू 1 का मतलब होता है पहला स्टेप, 2 मतलब होता है दो स्टेप, तो इसका पहला स्टेप लिख दीजिएगा तो क्या आएगा, 1/1 × 2 × 3 बोले तो 1/6, यानी LHS क्या आएगा 1/6। RHS निकाल लेते हैं, RHS में n को 1 लिखो तो आएगा 1 ब्रैकेट में 1+3/4 × 1+1 इन ब्रैकेट 1+2, तो दिस विल कम 4/4 × 2 × 3, 4 कैंसिल आउट, तो 1/6 हो गया। तो आपने क्या देखा, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब सो दिस स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसको कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बार बार ये लिखेंगे हम, बार बार ये नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे इसके पहले भी तो आपने कहा था नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख तो दिया, अरे ठीक है वो अलग की बात है। स्टेप टू पे क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k पे सही है, गलत नहीं सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है, रखो n को k यहाँ पर, तो क्या आएगा 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + लास्ट में क्या आएगा 1/k × k + 1 × k + 2 आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा k × k + 3/4 × k + 1 × k + 2 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने सही माना है, हमने इसको प्रूफ नहीं किया, ध्यान रखिएगा, इसको हमने कहा है कि इट इज ट्रू, ठीक है। स्टेप 3 का स्टेप क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 के n को k प्लस 1 लिखेंगे और राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लिखते हैं हम जरा, देखिए हम LHS में लिखने जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा 1/1 × 2 × 3 + 1/, यही आएगा ना, यही आएगा, ये तो लिखा ही हुआ है 2 × 3 × 4 प्लस, जरा देखो लास्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ जब n को k प्लस 1 लिखोगे तो यहाँ k प्लस 1 आएगा, यहाँ k प्लस 2 आएगा, यहाँ k प्लस 3 आएगा, यहाँ k प्लस 1 आएगा, यहाँ k प्लस 2 आएगा, यहाँ k प्लस 3 आएगा, इसके पहले स्टेप में एक एक कम कर दो तो k आएगा, k प्लस 1 आएगा और k प्लस 2 आएगा, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये चीज़ आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर दें यहाँ पर, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो RHS लिखा है तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करो, तो ये क्या लिखेंगे k × k + 3/4 × k + 1 k + 2 प्लस, ये पहले से लिखा हुआ है 1/k + 1 × k + 2 × k + 3। अब देखिए आंसर क्या आएगा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, अगर हम RHS में n को k + 1 लिख दें
तो यहाँ पर आएगा के प्लस वन, यहाँ तीन ज़्यादा हो जाएगा तो के प्लस फोर, यहाँ फोर बाहर है, यहाँ के प्लस टू, यहाँ के प्लस थ्री, यही तो आएगा ना, यही याद आना चाहिए, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ एलसीएम क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ फोर एलसीएम है, के प्लस वन एलसीएम है, के प्लस टू एलसीएम है और के प्लस थ्री एलसीएम है। देखो ध्यान से, इसके पास फोर है ठीक है, के प्लस वन है ठीक है, के प्लस टू है ठीक है, के प्लस थ्री नहीं है, तो यहाँ के प्लस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा के इंटू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा है। इसके पास सब कुछ है, के प्लस वन भी है, के प्लस टू भी है, के प्लस थ्री है, फोर नहीं है, तो यहाँ फोर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम उधर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप सिंपल सी बात है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको इसका होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, कोई और तरीका हमारे पास है नहीं। तो ये आएगा के, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स के प्लस फोर, और अपान में जो लिखा लिखा रहने दो, फोर के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो आएगा के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर अपान फोर के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग ये है कि भाई दिमाग क्या है कि इसको फैक्टर कैसे करें, ऊपर वाले के गुणनखंड करें कैसे, सिंपल मल्टी फैक्टर इसके होने से रहे, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी, शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बार बार हम जब शेषफल प्रमेय इसकी लगाएंगे तो हम नीचे भी दिक्कत हो जाएगी ना, फिर बार बार नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो आप करिए इसका इक्वेशन नंबर थ्री फोर डाल दो और इसका न्यूमरेटर उठा लो, इसका जो अंश है ना वो उठा लीजिएगा और उसको फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए ये लंदी है, आप चूँकि रिमाइंडर थ्योरम आप बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए तो हमने कहा इसका न्यूमरेटर अलग से नोट करिए, कर लिया आपने नोट, अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी होगी टेंथ लेवल में, ठीक है। क्या तरीका होता है, यहाँ पर के की ऐसी वैल्यू रख देते हैं कि पूरा स्टेटमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पुटिंग के इज इक्वल टू माइनस वन, पुटिंग के इज इक्वल टू माइनस वन, अगर माइनस वन रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स माइनस नाइन प्लस फोर। देखो जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइनस नौ माइनस एक माइनस दस और छः चार दस। अगर के अपार के बराबर माइनस वन रखने से इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि के प्लस वन इज वन ऑफ द फैक्टर, इज वन ऑफ द फैक्टर, इसका एक फैक्टर के प्लस वन है, इसका एक फैक्टर के प्लस वन है। तो देखिए इसका एक फैक्टर तो के प्लस वन हो गया, है ना। अब फॉर अदर फैक्टर क्या करते हैं, फॉर अदर फैक्टर ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फॉर अदर फैक्टर क्या करते हैं, इसको के प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसको के प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं, यानी के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर को के प्लस वन से डिवाइड करो। अब हम डिवाइड कैसे होता है ये समझाने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले आपको के क्यूब काटना है ना, तो इसको कितने वाले जाओगे, के स्क्वायर बाद, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा के क्यूब प्लस वन के स्क्वायर, फिर क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, के क्यूब कट गया, अब इसको माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा फाइव के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर, कितने वाले जाएंगे प्लस फाइव के वाले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा फाइव के स्क्वायर प्लस फाइव के, दोनों को माइनस कर देते हैं ये कट जाएगा, तो आएगा फोर के प्लस फोर। अब कितनी बार जाएगा, आगे जगह यहाँ पर नहीं है, ये हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, फोर के प्लस फोर बचा, फोर के प्लस फोर, इसको वन बार ले जाओगे ना, यानी प्लस फोर बार ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा फोर के प्लस फोर, ये माइनस से कट जाएगा, जीरो आ गया, ठीक है। तो एक फैक्टर आपका के प्लस वन हो गया और एक फैक्टर आपका क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर हो गया। तो आप लिखेंगे सो फैक्टर्स विल बी, कौन कौन से विल बी होंगे,
एक के प्लस वन हो गया और एक हो गया के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर। अब इसके फिर गुणनखंड करते हैं। अभी हम बता चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फोर के ऐसे टुकड़े, फोर के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस करने पर फाइव आ जाए, तो आएगा के प्लस वन, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन। देखो बेसिक जो आपका है, जब आप इलेवेंथ क्लास में पहुंच गए हैं तो बेसिक टेंथ लेवल की मैथमेटिक्स आपकी वेल प्रिपेयर्ड होनी ही चाहिए, उसमें कोई नो डाउट की गड़बड़ करना है। तो ये के प्लस वन हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, इन दो से के कॉमन ले लो, यहाँ फोर है तो यहाँ के प्लस वन बचेगा, के प्लस फोर बचेगा, यहाँ वन कॉमन ले लो के प्लस फोर बचेगा, यहाँ से के प्लस फोर कॉमन ले लो तो के प्लस वन, के प्लस फोर और एक और के प्लस वन, यानी ये आ गया आपका के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के प्लस फोर। ये आपका इसके न्यूमरेटर का फैक्टर हुआ, छोटा सा रिमाइंडर थ्योरम विशेष पर भी आपने पढ़ी है छोटे क्लासेस में, याद होगी, नहीं याद है याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फोर में रख दो। सो बाई इक्वेशन फोर जरा फोर को उठाते हैं, फोर को नहीं उठाते हैं, फोर में इसकी वैल्यू रखते हैं, है ना। ये फैक्टर की वजह से लंबा हो गया ये, और कोई मतलब नहीं था। इसकी जगह ऊपर क्या लिखेंगे, तो ये आएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस फोर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा फोर इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। यहाँ से के प्लस वन एक कट जाएगा तो ये बचेगा के प्लस वन इन ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में के प्लस फोर, नीचे फोर इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब बताओ अगर वहाँ पर राइट हैंड साइड में एन की जगह आप के प्लस वन लिख दो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये के प्लस वन बच जाएगा लिखा हुआ है, ये के प्लस वन में थ्री प्लस करोगे के प्लस फोर आएगा लिखा हुआ है, ये फोर बाहर लिखा है, यहाँ के प्लस टू यहाँ के प्लस थ्री आ रहा है, यही राइट हैंड साइड है। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, इट मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड आर डी एक्सरसाइज 12.2 का एग्जाम्पल 12 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज